what is measurement? So measurement is the comparison of a unknown quantity with a known quantity of same type. मेजरमेंट क्या है कि किसी अननोन क्वांटिटी का नॉन क्वांटिटी के साथ जो कंपैरिजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट. और ये जो नॉन और अननोन क्वांटिटी हैं, ये किस टाइप की होनी चाहिए? सेम टाइप की होनी चाहिए. सेम टाइप का मीन्स ये है कि अगर आप लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो नॉन और अननोन दोनों की लेंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके अगर आप मास को कंपेयर कर रहे हैं तो नॉन और अननोन दोनों का मास कंपेयर होना चाहिए. क्लियर है? आप लेंथ को मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मास को टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो कंपैरिजन जो है वो कैसा होना चाहिए? सेम टाइप का होना चाहिए. क्लियर है? सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेजरमेंट तो ठीक है, हमने मेजरमेंट कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर लिया, और ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम टाइप की होनी चाहिए. लेकिन इस मेजरमेंट की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी हमें क्या नीड है? ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर द मेजरमेंट. इस मेजरमेंट की नीड क्या है? अब एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको जो है एक हाउस बनाना है, एक घर बनाना है, ठीक है, एक होम बिल्ड करना है. अब इस सिचुएशन में आपको जो है एटलीस्ट इसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको जो है फ्रंट पता होना चाहिए, लेंथ कितना है, जो रूम आप इसमें रख रहे हैं उसकी विड्थ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल हाउस जो है ईजिली बना सकते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको विड्थ को बताने के लिए, लेंथ को बताने के लिए, हाइट को बताने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. आपको मेज़र करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है. अब एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया कि एक कार का, ठीक है. अब कार की अगर हम बात करते हैं तो कार जो है वो सिंगल एक पार्ट नहीं है, ठीक है. कार जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे बने हुए हैं. किसी एक प्लेस पे ये नहीं बना है, ठीक है. सो कहीं पर आपके जो है कार का टायर बन रहा है, कहीं पर इसकी बॉडी मैन्युफैक्चर हुई है, कहीं पर इंजन मैन्युफैक्चर हुआ है, कहीं पर जो अदर पार्ट्स हैं, नट एंड बोल्ट्स हैं, वो कहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है. सो अब ये आप सोचिए कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जो है इसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया गया है, लेकिन जब हम इनको असेंबल करते हैं, इन पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तो ये जो है ईजिली असेंबल होकर एक ब्यूटीफुल कार में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या अलग अलग प्लेसेस पे इन चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे अगेन किसकी? मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ें बना रहे हैं इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, ये सब चीज़ें कितनी हो सकती हैं, ठीक है. तो ये डे टू डे लाइफ में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने कार या बाइक को जो है ऑब्ज़र्व किया होगा, इसको आपने देखा होगा, तो इसमें जो है आप माइलेज जब चेक करते हैं, तो माइलेज जब आप चेक करते हैं तो इसमें चेक करते हैं कि आपने पर किलोमीटर कितना फ्यूल जो है वो खर्च किया है, ठीक है. आपका पर किलोमीटर पे जो है कितना जो है फ्यूल वो खर्च हुआ है, तो ये क्या होता है, आपके व्हीकल का माइलेज होता है, ठीक है. लेकिन ये माइलेज चेक करने के लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मेज़रमेंट की नीड होती है. सेम वे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो है एक सैटेलाइट सेंड करना है अर्थ से, कहाँ पे सेंड करना है? मून पे सेंड करना है. सो अर्थ से मून पे सैटेलाइट सेंड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मून जो है उसका ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए कि मून का ऑर्बिट क्या है, और उस ऑर्बिट को, उस ऑर्बिट पे मून को कितना टाइम लगता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और एक एग्जैक्ट टाइम पर मून की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि आपको जो सैटेलाइट भेजना है वो मून पर भेजना है. तो अगर आप किसी अलग लोकेशन पर भेज देते हैं तो वो सैटेलाइट मिस हो जाएगा, और आपका जो जो भी आपका एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. सेम वे में जब एक्सपेंस की बात आती है तो ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, चाहे ऑल
जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं, नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो नेचुरल फिनोमिना किसी भी टाइप का हो, चाहे वो जो है हम रिफ्लेक्शन की बात करते हों, रिफ्लेक्शन की बात करते हों, इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में कंज्यूम करते हैं और इसका जो बिल आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की है, जो एनर्जी हमने कंज्यूम की है, इसको हम मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो मेज़रमेंट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन से दैट मेज़रमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज़ मेज़रमेंट? इट इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो मेज़रमेंट जो है वो फिजिक्स का बैकबोन है, ठीक है। और एक जो फेमस साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हैं, लॉर्ड केल्विन, इन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात बोली थी, जो इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन यू कैन मेज़र व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, अगर आप जो है जो भी बातें आप बोल रहे हैं, अगर आप उसको मेज़र कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको इट इन नंबर्स, देन यू नो समथिंग अबाउट इट। अगर आप इसको नंबर में मेज़र कर सकते हो, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप इसके बारे में कुछ जानते हो। लेकिन इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्रेस एंड कैन नॉट मेज़र इट एंड कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, देन योर नॉलेज इज़ वेरी वेरी लिटिल मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, मतलब आप जो है उस नॉलेज पे बिलीव नहीं कर सकते हैं।